इकलौती रिक्वेस्ट है मेरी शो स्टार्ट करने के पहले, मैं 4 साल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लेना कि कोई प्लीज़ मेरा परफॉर्मेंस ना ऐसा ऑडियो वीडियो कुछ रिकॉर्ड रिकॉर्ड मत करिएगा। बड़ा ही जेन्युइन रीज़न है मेरे पास उसका कि देखिए मेरा अपना डायलॉग अभी वायरल नहीं हो रहा है। और ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये वाला अनाउंसमेंट मैं 4 साल से किए जा रहा हूँ। आप लोग बद्दुआ में बिलीव करते हो? एक होता है सुपरस्टिशन, एक होता है कर्ज। बद्दुआ और अंधविश्वास डिफरेंस है। काली बिल्ली रास्ता काट गई आप रुक गए, यू आर सुपरस्टिशियस। काली बिल्ली रास्ता काट गई आप रुक गए क्योंकि उसकी छाती पे आपका नाम लिखा था, ठीक किए रुक गए, इसमें बद्दुआ वाले एंगल से। और हमारे यहाँ बद्दुआ लगी बहुत है, जैसे एक तो जमीन जायदाद को लेकर लगी हमारे परिवार पे कि कितनी खरीद लो टिकती नहीं। बिहार में दादाजी ने 1980-90 में कुछ जमीन वमीन खरीदी थी, 40-42 लाख की प्रॉपर्टी थी, तब से कोर्ट केस ही चल रहा है उस और उस केस के चक्कर में एक दूर के दादाजी जेल में भी बैठे हैं। और जेल में वो वाले दादाजी बैठे हैं जो कोर्ट सुलह कराने गए थे। पूरे कॉन्फिडेंस में घर में सबको ज्ञान देकर निकले थे, तुम लोग कोर्ट में बात करने की तमीज नहीं, वहां सिर्फ हम बोलेंगे। इतने भावुक हो गए जज की मुंह पे उंगली रखने जा रहे हैं, चुप रहिए आप, भाइयों के बीच दरार मत डालिए। है बदुआ है, मैं मानता हूँ बदुआ में, क्योंकि दूसरी बदुआ यही है कि हमारे यहाँ से कोई विदेश नहीं जा पाता और इसमें पैसों वाला एंगल नहीं है, किसी बुआ मौसी ने नींबू मिर्चा लगाया है, हम बॉर्डर से पीछे खींच लिए जा रहे हैं। सिर्फ आजादी के पहले दादाजी गए थे एक बार भूटान, हम सब परिवार उसी का शो ऑफ कर रहे हैं। नहीं नहीं हमारा तो विदेश देखा हुआ है, सेम ही रहता, पहाड़ वगैरह होते हैं, अलग थोड़ी। इंजीनियरिंग करी थी मैंने, उसके 9 महीने बाद मेरी 3 IT कंपनीज में जॉब लगी थी, HCL, विप्रो एंड TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और मैंने TCS चुनी थी क्योंकि सबसे ज़्यादा विदेश ITs में वही लोग भेजते हैं, मुझे पता TCS का मजाक भी बहुत ज़्यादा उड़ाया जाता है। जब मेरी लगी थी मेरे बेरोजगार दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे कि अबे वो तो आधार कार्ड देख के नौकरी देती यार। प्लेसमेंट में स्टूडेंट खुद कह रहा सर छोड़िए ना, मुझे कीबोर्ड ही चलाने नहीं आता। अरे इधर आओ यार, हारमोनियम जैसा ही होता है। सीख जाओगे धीरे धीरे, मैंने खुद तबले से स्टार्ट किया था। जज्बा रखो। एक ऑल इंडिया बच्चों था, आप लोग जानते होंगे ना, इंडिया के बेस्ट स्केचेस आज तक AIB ऑल इंडिया बच्चों ने बनाया, तन्मय भट्ट का चैनल, बहुत मेरा फेवरेट था 2015 तक। एक्चुअली वो 2015-16 के अराउंड ना मैं TCS में था, तब इन्होंने ये TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज पे एक स्केच बना लिया था, मास रिक्रूटर। देखा ना कैसे ट्रक लेके गए हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, ट्रक ट्रेन डब्ड वाला तो नहीं देख लिए थे, ट्रक लेके गए इंजीनियरिंग कॉलेज रिक्रूट करने, और सब्जियों की तरह ट्रक में भर रहे बच्चों को, पानी वानी छिड़क रहे। याद है उसका, याद है आप लोगों को, कहाँ है आज ऑल इंडिया बच्चों? बेटा जब बद्दुआ लगती है ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे चैनल बंद हो जाते हैं। बहुत बढ़िया कम नहीं है TCS, बहुत इतने। और मैंने तो जहां से इंजीनियरिंग करी थी मेरी नौकरी ही नहीं बनती थी, मेरा जेल बनता था। हर कॉलेज में बच्चे नशे करते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, हमारे यहाँ सिर्फ नशा ही करते थे। इतना कि मैंने 3rd year से ब्लड टेस्ट कराना बंद कर दिया था, कितनी घनघोर बीमारी हो जाए कि रिपोर्ट की जगह साला कहीं चार्जशीट ना आ जाए कि ये तुम्हारे खून में मिला है, ये नाइजीरिया में पाया जाता है। एक बार हॉस्टल में छापा पड़ा था, एक कोर्स की किताब नहीं निकली किसी कमरे से, चरस गांजा बियर की बोतल, एक 8 साल का बेटा, गंदी किताबें, 8 साल के बेटे के हाथ में गंदी किताब, 3.5 लाख का एजुकेशन लोन लेके गया था इंजीनियरिंग करने, और ऐसे ही वापस आ गया, पापा आ गए, कर्जा बढ़ा है और दाढ़ी। अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास घरों में ना ऐसे कर्जा बड़ा रैंडम चल रहा होता है, अजीब चल रहा होता है कि 3 लाख लिए थे, 13 लौटा चुके हैं, खत्म ही नहीं हो रहा यार। उसमें अपना और ऐसे घुसेड़ दो ना बेरोजगारी के साथ वाला कर्जा, इतने ताने पड़ते हैं समाज से, तो पड़ते ही है समाज से, बहुत शादी वादी में जा रहा हूँ, कुर्सी नहीं पूछ रहा कि बैठा तो है अपनी बाप की छाती पे, अब क्या आलती पालती भी मारेंगे ये। और अपने माँ बाप ना डायरेक्ट ताना नहीं मार सकते, उनके अपनी औलाद तो इनडायरेक्टली मारते थे, मुझे देखते ही ना पापा मम्मी जान मुझे घर के खर्चे डिस्कस करने बैठ जाते, फ्रिज की EMI चल रही है, वॉशिंग मशीन भी लेना था, कहाँ से ले पाएंगे, इनका एजुकेशन लर्न भी तबाह की है, ये क्या होता, क्या करूं मैं यार, मंगलसूत्र नोचना शुरू कर दूं सड़क पे, आंटियां देख के लपक जाऊं, क्या करूं मैं यार।
इतना प्रेशर देते थे, मैंने प्रेशर में एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, बच्चा ही फेल हो गया यार वो। उसकी मम्मी घर आके कह रही ये टॉपर था। इसको फेल कैसे करा दिए यार तुम? हम सोच रहे ये टॉपर था, मैं इसको मंद बुद्धि समझ के पढ़ाता था यार। टॉपर की रैंडम ट्यूशन कौन लगवाता है? मैं उसको ऐसे पढ़ाता था बेटा 40 नंबर लाने हैं कैसे भी। वो कह रहा सर क्या कह रहे हो, 40 से तो ज्यादा ही आएगा। मैंने कहा यही ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हारा, चुपचाप 40 की तैयारी करो, बाकी पन्ने ही स्टेपल कर रहा हूं मैं। ऐसे आदमी को ऐसे इंसान को नौकरी, मैं बहुत इज्जत करता हूँ यार टीसीएस से बहुत, और वाकई विदेश भेजती है, इसमें भी कोई मैं झूठ नहीं बोला। मैंने 6 साल नौकरी करी एग्जैक्ट टीसीएस में, 134 लोगों को अपने आँख के सामने मैंने विदेश जाते देखा। पर आप नींबू मिर्ची की ताकत देखिए, 6 साल की नौकरी में सिर्फ एक ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, वो भी दिल्ली टू बेंगलोर और सेम डे रिटर्न। मैं कसम बता रहा हूं पायलट सेम था मेरा, मुझे दोबारा देख के कह रहा है रह गए थे क्या। अरे पानी की बोतल थोड़ी रह कैसे, क्या बात तुम्हें जी कर रहे हो। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मेरा दुबई का प्रोजेक्ट था टीसीएस में, और 10 लोग थे प्रोजेक्ट में, तो 2-3 दिन के लिए भेजते थे। तो जब वाइफ ने पूछा हनीमून पे, कहा मनाली डलहौजी शिमला, मैं कहा इंटरनेशनल रहेगा, 24 जरा इंटरनेशनल वगैरह प्रेफर करते हैं। तो महिला ने सबको भेज रही टीसीएस, मुझे भी भेज ही देगी, 2 दिन उसी को मान लेंगे, और ऐसे अपने इंटरनेशनल रास्ता भी ऐसे ग्लोबल जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे। चौड़ में बोले थे कि हनीमून पे तो हम पक्का विदेश जा रहे हैं, और गए थे मेरी फेवरेट सिटी फाइनली अमृतसर, और शाम में वाघा बॉर्डर गए थे। कि सोचे कम से कम वाइफ को पास से ही एक अब्रॉड दिखा तो दे। प्लान मेरा दुबई का ही था, मुझे लग गया था एक पॉइंट पे कि टीसीएस में ताकत नहीं है मेरी किस्मत से लड़ने की। मैंने अपने 2 लाख रुपए लगाए, अपना अपनी वाइफ का वीजा होटल ट्रैवल एवल सब कुछ कराया, बट कोई पासपोर्ट तो यूज किया नहीं थे, कोई खानदान में ही नहीं किया था, तो कभी देखे नहीं कि मेरे पासपोर्ट में ना प्लेस ऑफ बर्थ में उत्तर प्रदेश कॉमा उत्तर प्रदेश लिखा है। आप पैदा हो रहे हैं गांव में शहर में, मैं बकायदा स्टेट में पैदा हुआ हूँ। और मैंने ऑनलाइन वीजा करवा लिया, एक बहुत फेमस कंपनी है, सबसे फेमस कंपनी है, ट्रिप विप कराती है, तो मैंने उनसे वीजा करवा लिया, और मैंने ऑनलाइन वीजा फॉर्म में एक्चुअल प्लेस ऑफ बर्थ लिख दिया रेणुकुट। उन्होंने क्रॉस वेरीफाई भी नहीं किया, वैसे ही वीजा बना के भेज दिया। तो मेरे वीजा में प्लेस ऑफ बर्थ में टाउन का नाम है, पासपोर्ट में स्टेट का नाम। हम दोनों अपने अपने ट्रॉली बैग्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचे हैं, और 1 घंटे मस्त वापस भी आ गए। 1 घंटे का इंटरनेशनल ट्रिप दुनिया में किसी का नहीं रहा, मैं शायद अकेला ही हूँ जो इंडिया में भी डिपोर्ट हुआ है। और इमिग्रेशन वाले रिजेक्ट करते तो थोड़ी तसल्ली भी होती कि सरकार ने भगाया, प्राइवेट एयरलाइंस के एम्प्लॉय ने भगा दिया था यार। बैगेज चेक इन की लाइन में खड़े थे, वो 6 फिट का था उनका एम्प्लॉय, टक्सीडो वक्सीडो पहना बढ़िया, उसे चेक वेक कर रहा है बैगेज चेक इन के लिए, शायद भीड़ होगी जो भी रीज़न हो, डॉक्यूमेंट्स मैच करा के करके मेरी वैसे ही फटरी लाइन में कि खानदान पे कलंक तो है ही, फिर से बकैती ना हो जाए। इतने में मेरा नंबर आया तो कहता सर आपके तो दिक्कत है, क्या वो खानदानी हमारा, वो तो मुझे पता ही, आगे बताओ। कह रहा सर इतनी बेसिक प्रॉब्लम आपने गलती की है, प्लेस ऑफ बर्थ ही नहीं मैच करा है, वीजा में टाउन का नाम लिखे हुए, पासपोर्ट में स्टेट का नाम लिखे हुए, कैसे भेज दूँ, रूल स्ट्रिक्ट होते हैं। मेरे 2 लाख रुपए लग गए थे और इतनी उम्मीदें, मेरे मुंह से निकल गया कि यार ये सुपर सेट ही तो हुआ ना। सुपर सेट ही हुआ ना, टाउन जो होता है सर इधर देखिए, वो स्टेट के अंदर ही तो आता है, गलत क्या है। कह रहा सर फिर तो मिल्की वे ही लिख देते, गलत क्या है। और अपनी जगह दादाजी का मैं क्या बात तुम्हें जी यार, मैं जलील होने आया हूँ क्या यहाँ पे, लोग खुसूर फुसूर करने लगे, अपना चेक इन छोड़ के इसको देख रहे, मेरे को देख रहे कि ये बढ़िया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे एक सीनियर सिटीजन कपल था, वो तो बदतमीजी बता रहा था, ये क्रिमिनल होगा क्रिमिनल। मेरे आगे लगा तब से साले पे शक था हमको, सुन रही हो ऊपर जाता हाईजैक वाईजैक कर लेता। हम कहे हाँ अंकल हाईजैक ही करने तो जा रहे थे, साला डॉक्यूमेंटे नहीं मैच हुआ यार। फिर थोड़ी देर और जहरील हुए, फिर उससे बोले जो एम्प्लॉय था प्राइवेट एयरलाइंस के, सर कुछ तो सोल्यूशन होगा, इतने पैसे लग गए, वैसे कैसे रोक दोगे।
कह रहा जिससे कराया उससे बात करो। मैंने उस फेमस ट्रिप कराने वाली कंपनी से कॉल लगाने की कोशिश की, उनका कॉल ही नहीं लग रहा। तो मैंने उसको बताया नहीं लग रहा है कॉल। साले ने इतनी घटिया बात बोली उस एम्प्लॉय ने, आज तक चुप थी। कह रहा कहीं सस्ता वाला तो नहीं करवा लेते सर। ये क्या तरीका बात करने का है? मना कर दो, ये क्या तो टोंट मारने बैठे हैं। इतना गुस्सा है मन के, साले को अकेले पीटू, उसको फील हो कि ग्रुप में पिटा है। पर ना महंगी जगह की एक वाइब होती है, आपका एक्चुअल नेचर ना यही अटक जाता है कि है? इतना गुस्सा है पर निकाल ही नहीं पा रहे। बढ़िया मजाक उड़ाए, एक बार और उड़ा देते तो मजा आ जाता। फिर क्या थोड़ी देर और जलील हुए, उसी ऐप से शताब्दी का टिकट कराया, ट्रेन में बैठे निकल गए। मद्दुआ अद्दुआ से लड़ने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, बहुत पावरफुल चीज होती है। पर इस इंसिडेंट के ना एग्जैक्ट 12 महीने बाद वो प्राइवेट एयरलाइंस बंद हो गए। पॉइंट इज गरीबों की हाय नहीं लेनी चाहिए।